हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू यूट्यूब कैफीसीजी चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग जान ही चुके होंगे कि आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हमने रिस्ट बम के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने रिस्ट बम को एक ही लाइन में लगाने के बाद गाइस उसके ऊपर बाइक चलाई और उसके बाद जो थे वो इतने कमाल किस्म के ब्लास्ट हुए थे। तो गाइस, मैंने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम हमारे रिस्ट बम को फुली खोल कर देखेंगे कि हमारे रिस्ट बम के अंदर आखिर क्या होता है और किस तरह से होता है कि थोड़ा सा स्मैश होने पर जो हमारा रिस्ट बम होता है वो इतना कमाल किस्म का ब्लास्ट होता है। सो गाइस, आज के वीडियो में हमारे पास मौजूद है यहाँ पर वो ही हमारे रिस्ट बम। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करेंगे इस हमारे फुली रिस्ट बम की अनबॉक्सिंग अनरैपिंग और गाइस देखेंगे कि हमारे जो इस रिस्ट बम के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है। सो गाइस, आज का इंट्रो इतना ही, आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं लगा तो इंट्रो शुरू करते हैं जल्दी से आज की इस वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पर मौजूद है हमारा रिस्ट बम। गाइस, इस रिस्ट बम की वर्किंग किस तरह की होती है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम पहले ही वीडियो कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहिएगा तो उस वीडियो को भी लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने करना है इस रिस्ट बम का पूरी तरह से पोस्टमार्टम। तो गाइस, सबसे पहले तो इसे अनरैप करने से पहले हम पहन लेते हैं ग्लव्स, क्योंकि गाइस इसके अंदर हम जानते हैं कि केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स किस तरह के हैं इसका मुझे भी नहीं पता, तो इसके लिए सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। सो बॉयज़, यहाँ पर मैंने ग्लव्स को पहन लिया है और गाइस अब टाइम है तो हमारी इस रिस्ट बम की अनरैपिंग का। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इस पर लगा लेते हैं एक छोटा सा गार्ड। सो गाइस, यहाँ पर हमारे रिस्ट बम के अंदर से निकला है एक इस तरह का हार्ड। गाइस, ये जो हमारे रिस्ट बम होते हैं इसमें दो कैटेगरी होती है, एक जो होता है हमारा बिल्कुल सा प्लेन सा होता है जिसमें सिर्फ हमारे स्मैश करने पर पटाखा होता है, और गाइस एक वो होता है जिसमें हम हिट करते हैं उसके बाद से जो इसके अंदर से निकलता है वो होता है कुछ इस तरह का दिल। सो गाइस, हमें जो देखना है वो है इस दिल के भी अंदर, तो चले आप इसे भी जल्दी से कट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वाइट वाइट सा पाउडर सा मौजूद है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, इसके अंदर से निकला है हमारे रिस्ट बम के अंदर से कुछ इस तरह का ये वाइट पाउडर। गाइस, ये क्या है इसका मुझे भी नहीं पता, तो चलिए अभी इसे रख देते हैं साइड पर। और गाइस, इसके अलावा इसके अंदर एक है कुछ इस तरह का पैकेट मौजूद है जिसके अंदर कुछ लिक्विड में भी कोई लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। गाइस, ये निकला है एक पैकेट और एक इसके अंदर से कुछ पाउडर, तो इसमें थोड़ा सा और पाउडर है तो उसे भी हम निकाल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा हार्ट था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका है। गाइस, इसमें से निकला है हमारा इस तरह का एक लिक्विड पैक और यहाँ पर है थोड़ा सा वाइट वाइट सा पाउडर का जिसका मुझे नहीं पता कि ये क्या पाउडर है और ये जो है हमारा लिक्विड टाइप सा ये क्या है। गाइस, अब यहाँ पर ये हमें दो चीज़ें मिली हैं, तो अब हमें करना क्या होगा कि अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा कर देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ज्यों ही हमारे उस लिक्विड को हमारे इस पाउडर में डाला, तो गाइज उसने इसके साथ कुछ इस तरह का रिएक्शन किया होगा जिसमें से बहुत जो ज़्यादा गैसेज है वो इसमें से
खारिज हुए गाइज। इसी वजह से मे बी जो होता है कि हमारे स्मैश करने से हमारे वो वाटर जो पैकेट है वो फटता है और वो इस पाउडर के साथ मिक्स होता है और गाइज उससे जो हमारी गैसेस रिलीज होती हैं गाइज, उस प्रेशर से जो हमारा रिस्क फॉर्म था जो कि मौजूद यहाँ पर गाइज वो है वो फट जाता है। सो गाइज ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। सो गाइस यहाँ पर हमारे उस लिक्विड को हमारे इस पाउडर में मिलाने के काफ़ी देर बाद भी गाइस अब भी इसमें से बहुत ज़्यादा बबल्स और गैसेज हैं वो निकल रहे हैं गाइस। यही वजह है कि हम जो ही हमारे रिस्ट फॉर्म को स्मैश करते हैं तो हमारी लिक्विड जो है हमारे पाउडर के साथ रिएक्ट करता है और इसकी जो गैसेज रिलीज होती हैं वो हमारे इस रिस्ट फॉर्म को फुला देती हैं और गाइस उसकी वजह से ही होता है हमारे इस रिस्ट फॉर्म में बहुत ही कमाल किस्म का एक्सप्लोजन। सो गाइस ये फिनोमेना सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। बाकी और गाइज आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएगा। बाकी और गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।